शिव योग। अवधूत बाबा शिवानंद जी ने अनेक वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में कठिन तपस्या कर भगवान महामृत्युंजय जैसे शिव योग की शंभवी शक्ति प्राप्त की जो अत्यंत दुर्लभ थी। तो गुरु को जब बहुत प्रेम उठता है तो सबसे वैल्यूएबल कुछ है देने के लिए, वो है शंभवी शक्ति। शंभवी शिविरों में बाबा जी सिद्ध किया हुआ बीज मंत्र भी साधकों को प्रदान करते हैं, जिसकी शक्ति से साधक के जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं और उसके जीवन में सुख शांति सफलता और संपन्नता के नए मार्ग खुलने लगते हैं। एक्नॉलेज करना, कभी कटु वचन नहीं बोलना, कभी गलत नहीं कुछ भी बोलना, कभी झगड़ा नहीं करना, यही जीवन है। एंड यू हैव द पावर टू चूज, तुम मनुष्य हो, तुम्हें चुनने का अधिकार है। जैसे शर्ट टी शर्ट आज कौन सी पहनी तुमने चुना, कौन से कपड़े पहने तुमने चुना, कौन सी गाड़ी तुमने खरीदनी है तुमने चुना, किस घर में रहना है तुमने चुना, कौन सी बेडशीट बिछानी है आज तुमने चुना, आज रसोई में क्या पकना है वो तुमने चुना, आज क्या खाना है वो तुमने चुना, और अपने जीवन के बारे में क्या जीवन चाहिए वो नहीं चुनते हो। लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है वो नहीं चुनते हो। तुम्हारे सामने दोनों चीजें प्लेट में परसी हुई हैं, गिव लव या झगड़ा। अननोइंगली यू पिक अप द फाइट, हाउ इग्नोरेंट यू आर। छोटी छोटी चीजें तो तुम अपने हिसाब से चुनते हो और जो बड़ी चीजें हैं वो माया में फंस के छोड़ देते हो, इसी को माया जाल कहते हैं। इसीलिए जीवन व्यर्थ हो जाता है। जीवन शाश्वत, सत्य करना, सार्थक करना, झगड़ा भी करना है और प्यार करना है, तुमको चुनना है। एप्रिशिएट करना है, क्रिटिसाइज करना है, तुमको चुनना है। हैप्पीली रिएक्ट करना है या पेनफुल रिएक्ट करना है, ये तुमको चुनना है। हाउ यू हैव टू रिएक्ट, हाउ यू हैव टू एक्ट, ये चुनना है। हाउ यू हैव टू रिएक्ट, अब मान लो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, अब तुम्हारी बारी है रिएक्ट करने की। क्या तुम पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो या तुम नेगेटिवली रिएक्ट करते हो, इट इज ऑल इन योर हैंड। तुम्हें चुनने का अधिकार है और किसी को चुनने का अधिकार नहीं, ना गाय को ना शेर को। या शेर सोचे आज तो मैं जो है ए महीना पूरा वेजिटेरियन रहूंगा, नौराते हैं मैं तो नहीं, वो जो है वो है। या गाय बोलेगी आज बहुत हो गया खेतों में जाते जाते, आई विल गो टू द मॉल एंड हैव ए बर्गर। वो जो है वो है, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। मनुष्य नवरात्रों में फास्ट भी कर सकता है, बर्गर भी खाने जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें तो चुन लेते हो और जिससे तुम्हारा भाग्य बनेगा, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक बनेगा वो नहीं चुनते। दो चीजें हैं तुम्हारे पास, अपने परिवार को एप्रिशिएट करो या अपने परिवार को क्रिटिसाइज करो, चुन लो। या अपने परिवार के गुणों को देखो या डेढ़ दो अवगुण हैं उनको देखो, चुन लो क्या चुनते हो तुम। और जो चुनते हो वही तुम्हारा जीवन बनेगा, वही लोक होगा, वही परलोक होगा। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, ऑलवेज सेटल फॉर द बेस्ट, ऑलवेज सेटल फॉर द बेस्ट, नो नेगेटिविटी। और कभी भी कोई फेलियर आए, जीवन में सक्सेस भी आती है फेलियर भी आती है। मुझसे जब मैं छोटा था तो मुझसे एक चीज कही गई थी कि कोई भी फेलियर आए तो उसमें एक डायमंड ऑफ सक्सेस छुपा हुआ है, उस डायमंड को खोजना तुम बहुत अमीर बन जाओगे, और अगर तुम फेलियर को पकड़ लोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तो बहुत जितने भी झटके आए, द डायमंड ऑफ सक्सेस, एंड व्हाट इज द डायमंड,
a lesson to be learned. Every incident gives you a lesson जो तुम्हारे को grow करता है, तुम्हारे जीवन को सार्थक करता है. और उस समय जो है निर्गुण भाव से, दृष्टा भाव से उस घटना को देखना और उससे क्या लेसन मेरे लिए है, उस लेसन को लर्न करना. एंड द मोमेंट यू लर्न ए लेसन, यू आर रियली ग्रोन. तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा. समझ आए कि नहीं आए? तो करना ये है. याद रखो, तुम्हें चुनने का अधिकार है. तो मैं दुख चुनूं कि सुख चुनूं, मैं घृणा चुनूं या प्रेम चुनूं, आई हैव द राइट टू चूज. मैं क्रिटिसाइज करना चुनूं या तारीफ करना चुनूं. मैं परेशान होना चुनूं या आनंदित होना चुनूं. आई हैव द राइट. सो हर हाल में खुशी. कुछ लोग बोलते हैं घाटा हो गया जीवन में, कुछ हो गया. जरा ध्यान से देखो, बहुत फायदा हो जाए या बहुत घाटा हो जाए तो क्या परिवर्तन आता है? वो जो दो रोटी खा रहे थे वही खाओगे? बड़ा फायदा हुआ तो भी दो रोटी खाओगे? बड़ा घाटा हुआ तो भी दो रोटी खाओगे? बड़ा फायदा हुआ तो उसी बिस्तर पे सोओगे? बड़ा घाटा हुआ तो भी उस बिस्तर पे सोओगे? बड़ा फायदा हुआ तो भी नहाने जाओगे? बड़ा घाटा हुआ तो भी नहाने जाओगे? बड़ा फायदा हुआ तो भी टेलीविजन देख लोगे? बड़ा घाटा हुआ तो भी टेलीविजन देख लोगे? बड़ा फायदा हुआ तो भी परिवार के साथ रह जाओगे? बड़ा घाटा हुआ तो भी परिवार के साथ रह जाओगे? तो फिर रोना किस बात का? इट्स ओनली ए स्टेट ऑफ माइंड. घाटा हो गया, हाय. बैंक के अंदर नंबरिंग बदल गई, बस वही फर्क है और कोई फर्क नहीं. जीवन जीना सीखो. जीवन तुम्हारे हाथ में है. ये नफे नुकसान में जीवन नहीं बदल देना. एक आदमी था, उसने बड़ी मेहनत करी, खूब मेहनत करके घर बना लिया, बहुत बढ़िया घर. अब इसने कहा ये घर बेच दूंगा और जो पैसा आएगा बैंक में जमा करके मजे लूंगा. तो एक घर उसका था ही, एक घर और बना लिया उसने और बेटे को भेजा, भाई जा सौदा करया, ग्राहक आ रहा है. वो बैठा हुआ मजे से खुश था. इतने में एक आदमी भागा आया, भैया भैया जो घर आपने बनाया था उसमें आग लग गई. अब ये बड़ा खुश था, वो जोर जोर से रोने लगा. उसी कुर्सी पे बैठे बड़ी जोर जोर से रोने लगा. इतने में दूसरा आया, भैया भैया आग लगने से पहले तुम्हारे बेटे ने सौदा कर दिया था. अब वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा. अरे मेरा बेटा बड़ा होशियार है. फिर उसके बाद एक और आदमी आया, भैया सौदा तो हो गया था, पैसे नहीं पकड़े थे. वो फिर जोर जोर से रोने लगा, बेटे को गाली देने लगा. उसी कुर्सी पे बैठे रोना गाना. अरे हैप्पीनेस इज ए स्टेट विच कम्स फ्रॉम विद इन. और जब अंदर को पकड़ना शुरू करोगे तो तुम बाहर का जो भी माया जाल है उसको क्रिएट करना शुरू कर दोगे. तुमको मैं सिखा रहा हूं हाउ टू मेटीरियलाइज थिंग्स इन योर लाइफ. लेकिन खुश रह के मेटीरियलाइज होती, दुखी रह के नहीं होती. अगर कोई व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो स्वस्थ होने पे उसको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी. कोई कहता है मेरे बेटे को बड़ी बढ़िया नौकरी मिल जाए, तो उसको बढ़िया नौकरी मिल गई तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी. कोई कहता है मेरे को बहुत बड़ा घर मिल जाए, तो घर मिल जाए तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी. कोई कहता है मैं बहुत बड़ी सी गाड़ी ले आऊं, गाड़ी ले आऊं तो क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी. अब जो चाहता है मैं स्वस्थ हो जाऊं वो और बीमार हो गया,
तो उसको क्या मिला? दुख मिला। कोई कहता है मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए और उसकी नौकरी ही छूट जाए तो उसको क्या मिलेगा? बोलो, दुख मिलेगा। कोई कहे मुझे बहुत बड़ा घर मिल जाए और उसको वो ना मिले तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। अब जो मिलता है उससे क्या मिलती है? खुशी। यानी कि खुशी की अगर एनर्जी है तो उससे अचीवमेंट होगी, यस और नो? क्योंकि घर मिला, पैसा मिला, वो मिला, स्वस्थ मिला, क्या मिला? खुशी। तो खुशी को दोबारा डीकोड करेंगे तो क्या मिलेगा? घर, स्वास्थ्य, पैसा, वो मिला तो क्या डीकोड करोगे? खुशी। खुशी को डीकोड करोगे तो घर, सक्सेस, स्वास्थ्य। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? अब दुख ले लो, सब कुछ लूट गया, क्या मिला? दुख। दुख को डीकोड करोगे तो क्या मिलेगा? सब कुछ लूट गया। सब कुछ लूट गया को डीकोड करोगे? दुख। दुख को डीकोड करोगे तो क्या मिला? सब कुछ गया। अब खुशी और दुख इज स्टेट ऑफ योर माइंड, इज स्टेट ऑफ योर माइंड। तो दुख में किस चीज का बीज छुपा हुआ है? फेलियर का, बीमारी का। और अगर दुख को लाके बोधोगे अपनी चेतना में, मैं बहुत दुखी हूं, भगवान कुछ करो, तुमने जो चुना है, बोया बीज बबूल का, आम कहां से हो? तुमने तो दुखी रहने का अभ्यास कर लिया और फिर चाहो कि मुझे सक्सेस मिल जाए, मिल जाएगी। दुखी अगर 24 घंटे रहे तो उससे क्या क्रिएट होने वाला है? वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से फिजिकल रियलिटी। द वाइब्रेशन ऑफ सॉरो, वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सॉरो को क्रिएट करेगी दुख को। एनर्जी ऑफ दुख किसको क्रिएट करेगी? ऐसी घटनाएं जो तुम्हारे को दुख दे। ये तो क्वांटम फिजिक्स सिखा रहा हूं तुमको। और वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस किस चीज को क्रिएट करेंगी? वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस। एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस किस चीज को क्रिएट करेगा? ऐसी घटनाओं को जो तुम्हें खुशी दें। तो क्या चुनना है? दुखी रहना कि हर हाल में खुशी। हर हाल में खुशी। जीवन में जो भी हो रहा है ये तो एक वेकेशन है। जैसे तुम हॉलीडे प्लान करते हो, कभी कहते हो लग्जरियस हॉलीडे और कभी एडवर्टाइज आती है एडवेंचर हॉलीडे। एडवेंचर में वो पैसे देके वो जाते हैं, वो ग्रिल कौन है, बियर ग्रिल के पास। वो तुमको क्या करता है? भूखा रखता है, कीड़े मकोड़े खिलाता है, हैं? पानी के बदले पता नहीं क्या क्या पिला देता है और खूब सारे पैसे देते हो, फिर कहते हो बियर ग्रिल के पास आए। मजा उस समय मजा आता है ना। और अगर वही जीवन में हो रहा हो तो कहे हाय मैं कितना अभागा हूं। इज ओनली ए स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग एल्स। लर्न टू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। सब कुछ भीतर से मिलना है। ये जीवन भी जो है ये एक वेकेशन है, ये एक जर्नी है। हर घटना को, हर चीज को लर्न टू रैलिश। जो रैलिश करते हो परमात्मा वही तुमको देता है। खुशी को रैलिश करते हो तो जिस चीज से तुम खुश होते हो परमात्मा वही देता है। और अगर तुम दुखों को रैलिश करते हो, क्योंकि लोग दुखों को भी रैलिश करना शुरू, अपने आप को बड़ा दुखी, तो परमात्मा दुखी दुख देता है। एक बार लखनऊ आश्रम में मैं बैठा था, बहुत सारे साधक आके बैठे थे। इतने में एक अम्मा आई, चेहरा ऐसा था, तो मैंने कहा ये अंदर कौन आ गया? मैंने पूछा आप कौन?
तो उसने कहा दुखी, बहुत दुखी। तो मुझे याद आया वो एक पिक्चर अंग्रेजी आती है, वो बोलता है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो जब भी कोई इंट्रोडक्शन देता है बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, उसने वैसे ही उसी लिहाज से दुखी, बहुत दुखी। कहा बहुत बढ़िया, यू टेक सो प्राइड इन बीइंग दुखी, तो जाओ दुख दुख खेलो, यहाँ क्या करने आए हो, ये गलत पार्टी बैठी है इधर। तो ये एक, अगर अपने दुखों में खुशी लेना शुरू कर गए तो भगवान दुख ही देगा, और अगर अपने खुशी में खुशी लेना सीख गए तो भगवान खुशी देगा। अब जरा सेल्फ एनालिसिस कर लेना, कितने लोग बॉन्ड जेम्स बॉन्ड हैं और कितने लोग शिव योगी हैं, समझ आई कि नहीं आए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हर बारी हाय रब्बा एक ही कीता ओ की कीता, इसके बदले आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं। शिव योग का सिद्धांत है शिव योगी नेवर कंप्लेन्स, शिव योगी क्रिएट्स। शिव योगी शिकायत नहीं करता, उसको जो चाहिए वो सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करता है। लर्न टू क्रिएट योर लाइफ, लर्न टू क्रिएट योर सर्कमस्टांसेस, जीवन बन जाएगा, अच्छा बनेगा। हर हाल में अपने बारे में अब एक चीज और समझनी है आपको। प्रत्येक मनुष्य का एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो टोटल माइंड पावर अगर कहें तो 4% कॉन्शियस माइंड है, 96% आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पावर है। तो पावर आपकी कहां पर ज्यादा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन मजे की बात यह है कि 99.95% लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक्सेस ही नहीं है, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। अब जो मैंने बताया कि आप एक वाइब्रेशंस एमिट करते हो, वाइब्रेशन से एनर्जी, एनर्जी से फिजिकल रियलिटी। फिर मैंने कहा कि सोच पॉजिटिव करो, तो एक सोच जो कॉन्शियस माइंड से ओरिजिनेट हो रही है और एक सोच जिसकी रूट्स सबकॉन्शियस में है, तो कौन सी सोच ज्यादा पावरफुल होगी? जो सबकॉन्शियस से जिसका कनेक्शन है। तो जहां कनेक्शन हो जाता है वो कहते हैं कि सोच अब बिलीफ में बदल गई, द थॉट हैज कन्वर्टेड इनटू अ बिलीफ, इनटू अ कन्विक्शन। तो जो भी आपने सोचना है, बहुत कुछ नहीं सोचना, क्योंकि बताते हैं कि एक मिनट में पता नहीं कितने साइकिल पर सेकंड विचार आ जाते हैं। शिव योगी को विचार शून्य बनना है, उतने ही विचार लेके आने हैं। जो मैंने बोला ना 80-20 रूल, 80% यूजलेस काम है, उसी तरह 80% यूजलेस सोच है, 20% यूजफुल काम है और 20% यूजफुल सोच है। तो अपनी सोच अब 20% के ऊपर फोकस करो, होगा कि नहीं होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, और वो हो गया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ये ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, तो बुरा होगा, अच्छा हो गया तो कोई बात नहीं, बुरा होगा तो दो बात होगी, वो दो बात में अच्छा हो गया तो ठीक है, बुरा हो गया तो फिर दो बात होगी, ऐसे करते करते देयर इज नो एंडिंग। शिव योगी को एक ही सोच करनी है कि मुझे क्या मेटेरियलाइज करना है, क्या समझे, मुझे अपने जीवन में क्या
मेटीरियलाइज करना है। पहले जो सुबह से लेकर शाम तक सोचते हो उसको लिख लो, फिर उसमें ये बताओ कि नेगेटिव सोच कौन सी है और पॉजिटिव सोच कौन सी है। मजे की बात यह होगा कि 90% उलझुल होगा। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? उस 90% को फाड़ के फेंक दो, वो सोचना ही नहीं। अब रहा 10% जो पॉजिटिव है, थिंक पॉजिटिव, और वो जो सोचना है वो कन्विक्शन के साथ सोचना है, वो बिलीफ के साथ सोचना है। क्योंकि सोच अभी तक जो आपकी थी उसको आपकी पास्ट में जो नेगेटिव बिलीफ आपने पैदा किया था उसने पकड़ा हुआ था। आप पॉजिटिव सोचना भी चाहते थे तो भी वो नेगेटिव बिलीफ कुछ तो पेरेंट्स पैदा कर देते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसा करोगे। जबकि ये चीज आप सबको जानने की जरूरत है कि भगवान ज्योतिर्मय है, सच्चित आनंद है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर पॉजिटिव एनर्जी है। तो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर पॉजिटिव एनर्जी नाराज हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती। भगवान अनंत है तो अनंत जो भगवान है क्या उसको आपसे कुछ लड्डू चढ़वाने या वो कुछ मांगने की जरूरत है? नहीं है। तो वो बोलते ना, अरे मैंने मन्नत मांगी थी, मन्नत पूरी नहीं हुई इसलिए नाराज हो गए। या कुल देवी नाराज है, कुल देवता नाराज है। नाराजगी शब्द लोअर एनर्जी के लिए है, इनफाइनाइट एनर्जी के लिए नहीं है। तो पहली जो धारणा आप लोगों की है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान या तो कृपा करेंगे और या नहीं करेंगे। गुरु नाराज हो जाएंगे, गुरु या तो कृपा करेगा या चुपचाप उठ के चला जाएगा, उसको कोई नहीं पड़ेगी, वो अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में डाले। तो इसलिए जो हायर एनर्जीज हैं उसके बारे में जो आप लोगों की अगर किसी ने धारणा बनाई है बचपन से लेके, तो वो जो है आप निकाल देना। भगवान कभी नाराज नहीं होता, देवी माँ कभी नाराज नहीं होती, शिव कभी नाराज नहीं होते, गुरु कभी नाराज नहीं होते। तो ये सबसे पहले चीज समझ लेना कि वो आपकी सहायता के लिए है। इट्स अ प्योरेस्ट ऑफ द प्योर एनर्जी। जो परमात्मा है वो इनर कॉन्शियसनेस का एक पार्ट है, और जो इनर कॉन्शियसनेस इज अ प्योरेस्ट ऑफ द प्योर पॉजिटिव एनर्जी, वो इल्यूमिनेशन है। तो इसलिए पहली धारणा, आपसे कोई नाराज नहीं है। दूसरा, कहते मां बाप नाराज हैं। मां बाप को अच्छे से बिहेव करना भले ना आता हो लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं, ये बात समझ लो। समझ आई कि नहीं आई? वो चैंपियन ना हो बिहेवियरल साइंसेस में, उनको प्यार दर्शाना ना आया हो, लेकिन ये मान लो कि जो मां बाप है वो प्यार बहुत करते हैं बच्चों को। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? दे आर नॉट योर एनिमीज। मां बाप कभी एनिमीज नहीं हो सकते, दे आर योर फ्रेंड्स। दैट इज अ डिफरेंट थिंग दैट दे आर नॉट अवेयर कि प्यार कैसे दिखाना है, प्यार कैसे दर्शाना है। अब शिव योग में आ गए हैं तो ये भी करना, कमी पूरी कर देंगे वैसे। अभी बहुत सारे बच्चे तो मां बाप तो बच्चों को लाते हैं शिव योग में, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे मां बाप को भेजते हैं कि तुम जाओ शिव योग, तुम जरूर करके आना। ये बहुत सारे केसेस मैंने देखे, बहुत सारे लोग, आप कैसे आए? बोले हमारे बच्चों ने कहा कि आपने जरूर करके आना है शिव योग। तो वो फिनिश स्कूल जो है पेरेंट्स के लिए ज्यादा हो गया, बच्चे तो अपना जो करके आए आए क्योंकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, और वो माँ बाप को देखते हैं बिना बात के दुखी हो रहे हैं, बिना बात के झगड़ रहे हैं। तो कहते हैं आप पहले जरूर जाओ, आप पॉजिटिव होके आओ, आप जीना सीखो। बहुत जीना नहीं सीखा, अब कम से कम अब
जीना सीखो पूरे तरीके से। अभी तक जिंदगी का सुख क्या होता है वो शायद नहीं आपने अनुभव किया, अब जरूर अनुभव करो तो हम सबको खुशी मिलेगी। तो ऐसा देखा गया है। तो बिलीफ जो है, जो नेगेटिव बिलीफ है, वो दूर हो सकती सिर्फ साधना के द्वारा, साधना के द्वारा। क्योंकि जो नेगेटिव बिलीफ है वो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन शिव योग की गहरी साधना के द्वारा ही वो बाहर निकलते हैं। और जब वो बाहर निकलता है तो नेगेटिव बिलीफ बाहर निकलते ही सोच बदल जाती है, आउटलुक बदल जाती है, रिएक्शन बदल जाता है। अब पॉजिटिव बिलीफ आपने पैदा करनी है, इसलिए अंदर से तो जड़ें निकल गई, अब बाहर पत्तियां टहनियां जो रह गई, अब आप उसको लिख लो कागज पे कि सारा दिन मैं क्या सोचता हूं, उसमें मैं नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या सोचता हूं। तो जितना नेगेटिव है उसको सामने रख के आई सेंड इट टू द स्पेस, मैं इसको यूनिवर्स में भेजता हूं ट्रांसम्यूट होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए। तो वो जो भी नेगेटिव कागज पे लिखा हुआ है कि हाय ये हो जाएगा, हाय वो हो जाएगा, हाय ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, इसको बर्न कर दो। उसके बाद इसको नहीं आपने लेना, यू हैव सेंड टू द यूनिवर्स। और क्या चीज आपने एक्सेप्ट करनी है, ओनली द पॉजिटिव थॉट्स, ओनली द पॉजिटिव थॉट्स। और कोई जरूरत है तो क्रिएट फ्यू मोर पॉजिटिव थॉट्स, जो तुमको चाहिए उसी को ही सोचना। क्योंकि अगर उसको बार बार सोचते हो, जो चीज को बार बार सोचते हो, तो वो कॉन्शियस माइंड से क्रिटिकल माइंड, क्रिटिकल माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से आपकी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। और जहां ये कॉन्शियसनेस में पहुंचता है वो फिर मेटेरियलाइज होता है, वो फलीभूत होता है जीवन में, वो घटना फलीभूत होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप फोकस करो, जो आप जीवन में फलीभूत करना चाहते हो बार बार उसी को सोचो, अपोजिट नहीं, विपरीत नहीं, ओनली दैट इन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके लिए आप लोगों को गोल्डन बुक बनानी होगी, सबको गोल्डन बुक बनानी होगी। गोल्डन बुक जो है ये आपका हॉरोस्कोप है। एक हॉरोस्कोप जब बच्चा पैदा होता है तब ज्योतिषी के पास जाते तो वो गणना करता है कि उसका स्वास्थ्य ऐसा रहेगा, प्रोफेशनली वो ऐसा करेगा, माँ बाप का इसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, पति पत्नी का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संतान इसको सुख देगी कि नहीं देगी, मित्र समाज इसको प्रतिष्ठा देगा कि नहीं देगा, ये सारे स्थान है ना, घर इसका कैसा होगा, गाड़ी वाहन कैसा होगा, धन धान्य कैसा होगा, इसकी मानसिक शांति कैसी होगी, इसकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी होगी। 12 कैटेगराइजेशन है, 12 घर होते हैं। ये 12 घर जो पास्ट में हमने कर्म किया, जो हम पैदा करते हैं वही हम भोगते हैं। तो कोई कहे मेरे को बुरा पति मिल गया, गलत बात, तुमने वो क्रिएट किया। मुझे बुरी पत्नी मिल गई, गलत बात, तुमने वो क्रिएट करी, हॉरोस्कोप में देख लो नहीं तो। मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल गलत बात, ये तुमने क्रिएट किया था, जन्म लेने से पहले क्रिएट किया था। मुझे वो लोग धोखा दे देते हैं, ये भी गलत बात, तुमने क्रिएट किया था। पास्ट में जो तुमने कर्म किए थे, औरों को धोखा दिया था, अब वो तुम्हारे से हिसाब किताब लेने आ रहे हैं। इसलिए किसी को दोषी नहीं मानना, किसी से बैर नहीं करना, सबको क्षमा कर देना, फॉरगिव देना।